घोषणा कर रही है और इस बार एक नया दाव चल रहा है कि अगर घोषणाएं नहीं लागू कर पाएंगे तो कैश डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे वो फूड पैकेट की बात हो चाहे वो मोबाइल देने की बात हो, तो कह रहे हैं कि हम कैश देंगे। देखिए, 4.5 वर्ष जो सरकार कुछ नहीं कर पाई, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो कहा, जो वादा किया, लोगों से कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट के आधार पर इनको मैंडेट मिला, उस पर वो खरा नहीं उतर पाई। अगर उनको वास्तव में राहत देना है तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कीजिए जो जनता के बीच में आपने जनता से वादा किया। अब वास्तव में राहत देनी है तो 4.5 वर्ष में अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा आपने डीजल और पेट्रोल पर पैसा लिया है, वो उनके खातों में डालिए। अगर वास्तव में अगर राहत देनी है तो, आपको वास्तव में राहत देनी है तो 4.5 वर्षों में, आपने कहा था कि हम 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, इनके मैनिफेस्टो में है। वो बढ़ा हुआ पैसा जो चार्ज किया वो जनता के खातों में वापस डालिए। और 10,000 जो भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों का बिजली का बिल माफ था, अपने सरकार में आते उसको चालू कर दिया, वो 4 वर्ष तक जो आपने किसान से पैसा लिया वो वापस उसके खाते में डालिए, तब लगेगा कि आप ईमानदारी से जनता के प्रति जवाबदेही है। आप अंतिम समय में जब आपकी सरकार के कुछ दिन बचे हैं तब आप इस प्रकार के पैसा बांटो चाहे कुछ बांटो, जनता ने समझ लिया कि आपने राजस्थान की जनता के साथ वादा खिलाफी की है, धोखा दिया है, गुमराह किया है, और राजस्थान की जनता इस वादा खिलाफी का पुरजोर जवाब देगी चाहे आप कुछ भी कर लें। जब कल 1 साल को जो योजना है उनके दम पर सत्ता में रिपीट करेंगे और बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम भी हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं तो भगवा पताका पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, आपने मंदिर में के पुजारी को पूरी रात टॉर्चर किया थाने में बुलाकर, अगर आप हिंदू हैं तो जो हिंदू पलायन हो रहा है और जो दहशतगर्द खुलेआम तलवारें लेकर घूम रहे हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप हिंदू हैं तो PFI को जैसे आतंकवादी संगठन को आप कार्यक्रम करने की अनुमति देते हो, रामनवमी हिंदू नववर्ष और बाबा रामदेव जाने के यात्रियों की शोभा यात्रा पर आप प्रतिबंध क्यों लगाते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो किस प्रकार से आपको नवरात्रा में जो लोग व्रत करते हैं उपवास करते हैं उनकी भी चिंता होनी चाहिए जितनी चिंता आप रमजान के जो रोजे रखने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं तुष्टिकरण राजस्थान में पहली बार देखा है। एक तरफ वो पार्टी है नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी के नेता हैं तो 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं इस राजस्थान में पहली बार इस प्रकार का आपने ध्रुवीकरण देखा होगा कि कहीं कहीं एक धर्म को एक मजहब को टारगेट करके काम किया, मंदिर तोड़े गए, लोगों को पुजारियों को जिंदा जलाया गया, कोई कार्रवाई नहीं होती, ये पहली बार राजस्थान की जनता देख रही है। देखिए, मैं एक नेता, ये तो है एक एग्जाम्पल, लेकिन इन सारे नेताओं के परिवार के कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भतीजा किसी न किसी बड़े कांड में शामिल है। आप ये देखिए कि कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, कोई इलीगल बजरी का काम कर रहा है, कोई इलीगल सट्टे का काम कर रहा है, कोई इलीगल आपके अवैध कंपनियों के साथ मिलकर काले पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये सारे चीज़ें जांच के दायरे में आनी चाहिए। और क्योंकि अभी स्थितियां ऐसी है कि जो जांच करने वाला है वो खुद ही कहीं कहीं जांच के दायरे में है, तो आप देखिए कि अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने जितने मामले दर्ज किए, कितनों पर अभियोजन की स्वीकृति मिली, सचिवालय में पैसा मिला, कैसे इस मामले को दबाया गया, रीट की परीक्षा का इतना बड़ा मामला, राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के अरमानों को, उनके सपनों को तोड़ा, इन्होंने धोखा दिया, उस मामले को कैसे दबाने का प्रयास किया। तो यह जब खुदा पहलवान, ये आप देखो कि ये तो अपने आप को खुदा समझ रहे हैं लेकिन इनकी संतानें भी कहीं कहीं सरकारी कर्मचारियों का और उनका सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को डराने का, लोगों को गुमराह करने का, लोगों को दबाने का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। बजरी माफियाओं ने अटैक किया है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी। अजमेर का मामला आपको पता ही है, वहाँ एक IAS और IPS ने किस तरह
एक होटल कर्मियों के साथ बदतमीज की, पीटा उनको पूरी तरह से। और इसी वक्त एक मंत्री हैं टीकाराम जोली, वो खुद नहीं उनके बेटे पाँच पाँच गार्ड को के साथ चले। एक तरफ कानून व्यवस्था की हालत ये है, वहीं पुलिस को इस तरह मंत्रियों के बेटों की तरफ लगाया जा रहा है। देखिए, हम शासन तंत्र के खिलाफ नहीं है, हम हैं भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ। और ये एक बड़ा कोकस बन गया है भ्रष्ट नेताओं का और भ्रष्ट अधिकारियों का, जिन्होंने 4.5 वर्ष तक इस राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया। आप ये देखिए कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को खोल डाला और एक संत को चेतावनी देनी पड़ी और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आत्मदाह करना पड़ा। इतनी बड़ी घटना के होने के बाद भी वहाँ खुलेआम खुदाई हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की जन्म जो क्रीड़ा स्थली उसको नहीं छोड़ा। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं इनके मन में राजस्थान के प्रति जवाबदेही जिम्मेदारी कहीं दिखती है। और इसीलिए आज खुलेआम जो बजरी माफिया है वो अधिकारियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है। तो इस प्रकार की घटना एक नहीं अनेक राजस्थान में है, क्योंकि एक ऐसा कॉकस बन गया है जो भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अधिकारी मिलकर इस राजस्थान की जनता को लूटो, इन योजनाओं के माध्यम से जो जनता का पैसा है ईमानदारी से जनता के क्षेत्र के विकास के लिए लगना चाहिए, योजनाओं में लगना चाहिए, उन योजनाओं का पैसा कहीं कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर इन भ्रष्ट नेताओं अधिकारियों की जेब में जा रहा है। टीकाराम जोली मंत्री का बेटा तो प्रस्तावित है हनुमान चालीसा का, उसके लिए होर्डिंग लगाए थे सामने के इलाके में कल, जो पिछली रात उसमें सारे होर्डिंग हटा दिए बिना किसी कोई चेतावनी के, प्रशासन ने सारे होर्डिंग हटाए। मैं राजस्थान सरकार को खुली चुनौती देता हूँ, जितना दमन करोगे ये ज्वालामुखी बनकर फटेगा और उसको आप संभाल नहीं पाओगे। आप इतने बड़े वर्ग को आप कैसे अपने धार्मिक कार्यक्रम को करने से रोक सकते हो? आप होर्डिंग उतार सकते हो, किसी की भावनाओं को रोक नहीं सकते, वो कार्यक्रम भी होगा, लेकिन सरकार को ध्यान में लाना चाहिए कि किसी के किसी भी धर्म किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। और कोई व्यक्ति कोई सामाजिक संस्था कोई धार्मिक संस्था को कोई कार्यक्रम करती है तो उस पर प्रतिबंध लगाना इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की विदाई का बहुत बड़ा कारण बनेगा।